अब हम बात करते हैं प्रोटीन की। इसके पहले की श्रृंखला में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन किया, अब हम प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन, प्रोटीन शब्द का सबसे पहला उपयोग बर्जीलियस तथा मुल्डर, प्रोटीन शब्द का सबसे पहला उपयोग बर्जीलियस तथा मुल्डर ने 1938-39 में किया। जीवित शरीर में लगभग 14% तथा मृत शरीर का लगभग 50% भाग प्रोटीन का बना होता है। प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, प्रोटीन अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं, इसी कारण इसे अमीनो अम्लों के बहुलक कहते हैं। इसी कारण से अमीनो अम्ल के बहुलक कहते हैं। अमीनो अम्ल आपस में एमाइड बंध अथवा पेप्टाइड बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये बंध अमीनो अम्ल के कार्बोक्सिलिक समूह तथा दूसरे अमीनो अम्ल के अमीनो समूह के बीच बनता है। प्रोटीन का निर्माण कोशिका के कोशिका द्रव्य में ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया से होता है और इस प्रक्रिया में लगभग 20 प्रकार के अमीनो एसिड भाग लेते हैं। 10 प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण कोशिकाएं स्वयं कर लेती हैं। इन्हें अनावश्यक अथवा अतात्विक अमीनो एसिड कहते हैं। और शेष प्रकार के अमीनो एसिड का निर्माण कोशिकाएं नहीं कर पाती, जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता होती है, अभ्योजन के रूप में हम लेते हैं, जिसे तात्विक अथवा आवश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में क्वासरकोर तथा मरेस्मस नामक बीमारी हो जाती है, जिससे बच्चों की वृद्धि तथा विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अब देखते हैं प्रोटीन का प्रकार, प्रोटीन के प्रकार। प्रोटीन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल प्रोटीन, दूसरा जटिल प्रोटीन अथवा संयुक्त प्रोटीन, और तीसरा व्युत्पन्न प्रोटीन। हम देखते हैं सरल प्रोटीन। सरल प्रोटीन ये सरलतम संरचना वाले प्रोटीन होते हैं, जिनके निर्माण में केवल अमीनो अम्ल भाग लेते हैं। और आणविक संरचना के आधार पर इन्हें 2 वर्गों में रखा गया है। पहला गोलाकार प्रोटीन ये लवण, क्षार तथा तनु विलयनों में घुलनशील होते हैं तथा विलयन में कुंडलित होकर गोलाकार बने रहते हैं, जैसे एल्ब्यूमिन। ये अंडे तथा रुधिर प्लाज्मा में पाया जाता है। सभी प्रकार के एंजाइम्स, राइबोजाइम्स को छोड़कर इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन, ग्लोबिन्स जो कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, मायोग्लोबिन्स जो कि पेशीय प्रोटीन होते हैं, हिस्टोन इनको हम न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहते हैं, ग्लूटामिन्स ये अनाज में पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं, और प्रोलामिन्स ये दालों में पाए जाते हैं या फिर इन्हें दाल का प्रोटीन कहते हैं। अगला देखते हैं तंतुमय प्रोटीन। ये जल में अघुलनशील प्रोटीन होते हैं और इनके अणु बड़े होते हैं, धागे नुमा तथा संकुचनशील होते हैं। ये जीवधारी पेक्टिन तथा मायोसिन ये पेशीय प्रोटीन होते हैं। और कोलेजन, इलास्टिन तथा रेटिकुलिन ये उपास्थि, कंडरा, संयोजी उत्कों तथा हड्डियों में पाए जाते हैं। किरेटिन ये सींगों, नाखूनों, पंखों तथा त्वचा में पाए जाते हैं। फाइब्रोइन इसे रेशम प्रोटीन कहते हैं आदि। अगला हम देखते हैं दूसरे प्रकार का जो प्रोटीन है उसको हम देखते हैं, वो जटिल प्रोटीन अथवा संयुक्त प्रोटीन कहलाते हैं। इसमें सरल प्रोटीन अणु के अतिरिक्त अन्य अप्रोटीनियस भाग जुड़ा रहता है, जिसे प्रोस्थेटिक समूह कहते हैं। जैसे ये निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में न्यूक्लिक अम्ल होता है, जैसे क्रोमेटिन, राइबोसोम इत्यादि। अगला देखते हैं क्रोमोप्रोटीन्स, इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में वर्णक होते हैं,
वर्णक जो कि वे केमिकल कंपाउंड या रासायनिक यौगिक होते हैं जो किसी भी पदार्थ या वस्तु को रंग प्रदान करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन्स, साइटोक्रोम, राइबोफ्लेविन आदि। लाइपोप्रोटीन अगला प्रोटीन है। लाइपोप्रोटीन इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में लिपिड मॉलिक्यूल्स या लिपिड अणु होता है, जैसे कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन्स जिनको हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं, मिल्क प्रोटीन या दुग्ध प्रोटीन, लाइपोविटालिन या अंडे की जर्दी में पाए जाने वाले प्रोटीन्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है फास्फोप्रोटीन। इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में फास्फेट अणु पाया जाता है, जैसे केसीन इसे मिल्क प्रोटीन कहते हैं, ओवाविटेलिन जो कि अंडे की प्रोटीन होती है, अंडे में पाई जाती है। अगला उदाहरण देखते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसमें इसे म्यूकोप्रोटीन्स भी कहते हैं, इसमें प्रोस्थेटिक समूह के रूप में कार्बोहाइड्रेट के अणु पाए जाते हैं, जैसे म्यूसिन गैस्ट्रिक तथा आंत्रीय श्रावण, हिपेरिन आदि। तीसरे प्रकार के प्रोटीन में आते हैं व्युत्पन्न प्रोटीन या डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। ये सरल अथवा जटिल प्रोटीन के स्कंदन अथवा जल अपघटन से बने अपूर्ण प्रोटीन्स होते हैं, जैसे प्रोटीएज, पेप्टोन्स, पेप्टाइड्स आदि। कुछ महत्वपूर्ण प्रोटीन्स के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जैसे हम देखते हैं अल्फा केराटिन कशेरुकी प्राणियों में सल्क पंखों, सल्क पंजे, नाखून, पर पंख, रोम, ऊन, कछुए की खोल, सींग, खुर आदि में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है बीटा केराटिन जो कि रेशम की फाइब्रोइन प्रोटीन, मकड़ियों के जाल के रेशे अथवा धागों में पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स के कार्य। लगभग सभी प्रकार के एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। और अगले पॉइंट में देखते हैं थ्रॉम्बिन तथा फाइब्रोजन जो कि रुधिर प्रोटीन होती हैं और चोट लगने पे रुधिर को जमाने में या रुधिर का थक्का बनाने में सहायक होती हैं। तथा अगले पॉइंट में देखते हैं एक्टिन मायोसिन, ये संकुचन प्रोटीन होती है जो सभी कंकालीय पेशियों के संकुचन में भाग लेती है। और रेशम में जो प्रोटीन होती है उसको हम फाइब्रोइन प्रोटीन कहते हैं, रेशम की प्रोटीन को फाइब्रोइन प्रोटीन कहते हैं। कुछ हार्मोन्स जैसे पिट्यूटरी ग्रंथ का सोमेटोट्रॉपिक हार्मोन जो कि वृद्धि हार्मोन होता है तथा अग्नाशयी ग्रंथियों का इंसुलिन, ये सब क्या होते हैं, शुद्ध प्रोटीन के बने होते हैं। अगले में देखते हैं एंटीबॉडीज, या इसको हम प्रतिरक्षी कहते हैं, एंटीबॉडीज और इम्यूनोग्लोबिन्स जो कि शरीर की सुरक्षा करती हैं, ये भी प्रोटीन से ही बनी होती हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का सबसे मुख्य अंग होता है और सभी लगभग 20% जैविक अणुओं में प्रोटीन का परसेंट लगभग 14% होता है जीवित अवस्था में, और मृत अवस्था में प्रोटीन लगभग 50% पाया जाता है। अगले टॉपिक